हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रूपकथा। गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अबाउट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और एचआरटी। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम रूपकथा। आई एम फ्रॉम मेल टू फीमेल, मीन्स आई वॉज अ बॉय, आई हैव डन सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, नाउ आई एम ए गर्ल। तो गाइस, सर्जरी से पहले आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी होती है। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। पर एचआरटी स्टार्ट करने से पहले आपको साइकियाट्रिस्ट को विजिट करनी होती है, एक साइकियाट्रिस्ट एंड एक साइकोलॉजिस्ट को बेसिकली विजिट करनी होती है। अगर साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट आपको लिख के देते हैं कि आपको जेंडर डिस्फोरिया है, तभी जाके आपकी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है और उसके बाद आपकी सर्जरी होती है। वो आपको टेस्टोस्टेरोन ब्लॉक कर देते हैं ताकि आपके अंदर जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रही है वो ब्लॉक हो जाए, एंड उसके बाद वो आपको फीमेल हार्मोन देते हैं। तो एज अ टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर वो आपको इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं एंड टैबलेट्स के थ्रू भी दे सकते हैं। तो मुझे जो टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर दिया गया था, पहले इंजेक्शन दिया गया था, इंजेक्शन का नाम है डेको पेप्टाइल डीपोट, ऐसा कुछ इंजेक्शन दिया गया था। वो आपको 3 महीने में एक बार लेनी होती है। तो वो बेसिकली पहले आपके अंदर टेस्ट करते हैं कि आपके अंदर कितना टेस्टोस्टेरोन है, उस हिसाब से आपको इंजेक्शन देते हैं कि आपको कितना इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा वो आपको पिल्स देते हैं एज अ टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर, जैसे स्पिरोनोलैक्टोन या साइट्रोट्रोन एसिटेट, ऐसा करके टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर वो आपको देते हैं ताकि आपके अंदर मेल हार्मोन प्रोड्यूस होना बंद हो जाए। एंड एज अ फीमेल हार्मोन वो आपको एस्ट्रोफेम या प्रोगाइनोवा 2 mg और प्रोजिनोवा 2 mg देते हैं, विच आर फीमेल हार्मोन। अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो पिल्स इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, मेनली जो इंजेक्शन है वो थोड़ा सा कॉस्टली है। जो डेको पेप्टाइल डीपोट इंजेक्शन है उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 6000 है, बाकी पिल्स बहुत ही अफोर्डेबल है। नाउ आई विल शेयर आपको हार्मोन के थ्रू क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये गाइस डिपेंड करता है आप कौन सी एज से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप अर्ली एज में स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बेनिफिट्स बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। अगर आप बहुत लेट या एज में स्टार्ट कर रहे हो तो बेनिफिट्स धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन की वजह से आपके अंदर जो मेल फीचर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, तो उसको फीमेल फीचर में कन्वर्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप अर्ली एज में स्टार्ट करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। गाइस, आप लोग मुझसे पूछते हो मैंने कब हार्मोन लेना स्टार्ट करा है। तो गाइस, मैंने 19 ईयर्स ओल्ड से हार्मोन लेना स्टार्ट करा है और अभी मेरी एज है 22 ईयर्स ओल्ड, और मैंने एसआरएस करवाया है 1 साल पहले। जब आप हार्मोन स्टार्ट करते हो आपकी हाइट इंक्रीज़ होना बंद हो जाती है। मेल आर सपोज टू बी मोर टॉलर देन फीमेल, तो आपकी हाइट इंक्रीज़ होना बंद हो जाती है। उसके बाद अगर हेयर ग्रोथ की बात करूँ तो आपकी हेयर ग्रोथ फास्ट हो जाती है। आप लोग मुझसे पूछते हो मैंने कब से हेयर रखना स्टार्ट करा है। तो गाइज़, मैंने जब से एचआरटी स्टार्ट किया है तभी से मैंने अपना हेयर ग्रो करना स्टार्ट किया है। तो अभी 3 साल हो गए, आप लोग देख ही सकते हो डिफरेंस। तो आपकी हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, योर हेयर बिकम मोर सिल्की शाइनी। और एचआरटी के थ्रू जो होता है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट। मेल में गाइस मसल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, फीमेल में फैट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो आपके अंदर जो मसल है वो थोड़े से डिक्रीज़ होने लग जाती है एंड फैट की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। मान लीजिए फैट आपकी फेस में, योर ब्रेस्ट, हिप्स, थाइस, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाती है एंड मसल कम होने लग जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं गाइस कि आपके वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि मसल की वेट फैट से ज़्यादा होती है। तो आपके अंदर अगर मसल की डिक्रीज़ और फैट की इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं आपके वेट गेन हो सकता है। वेट एज इट इज़ भी रह सकता है या आप वेट लूज भी कर सकते हो। उसके बाद अगर फेस की बात करूँ तो गाइस, आपका फेशियल बोन की रीस्ट्रक्चर होना स्टार्ट हो जाती है। आपका फेस बिकम मोर फेमिनिन, फेशियल बोन बिकम मोर फेमिनिन। एचआरटी से गाइस जो आपके फेस में चेंज नहीं होता है वो है आपका फोरहेड एंड नोज़ की बोन स्ट्रक्चर, जो मेनली मेन में होता है। फोरहेड ज़्यादा ब्रॉड होता है एंड नोज़ भी उनका प्रोमिनेंट होता है। तो आपको फोरहेड एंड नोज़ में ऐसा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मुझे जो चेंज गाइस महसूस हुआ है वो है मेरी चीक बोन। चीक बोन मुझे लगता है मेरी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुकी है। एक फीमेल फेस पे उनकी चीक बोन ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। और गाइस, जो सबसे ज़्यादा आपको चेंज देखने को मिलेगा वो है आपकी फेस में फैट डिस्ट्रीब्यूशन। एक फीमेल फेस में फैट की क्वांटिटी मेल से बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको फैट देखने को मिलेगा। आई कैन फील द फैट इन माई चीक, इन माई चिन। तो गाइस यहाँ पे मुझे पहले से ज़्यादा फैट महसूस होता है। HRT से आपके फेस में फैट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से होती है। नाउ अगर मैं वॉइस की बात करूँ तो गाइस HRT से आपकी वॉइस चेंज नहीं हो सकती है। आप लोग मुझसे पूछते हैं मैंने वॉइस चेंज सर्जरी करवाया है या नहीं, तो गाइस मैंने वॉइस चेंज सर्जरी नहीं करवाया। मेरी वॉइस पहले से ही थोड़ी बहुत फेमिनिन है। मतलब पापा मुझे और मेरे भाई को गाना यू नो तबला ये सब सिखाते थे। तो जब मैं गाना भी गाती थी ना, कोई अगर आँख बंद के सुने तो उनको लगता है कोई लड़की ही गा रही है। तो मेरा वॉइस यू नो पहले से ही फेमिनिन है। तो मैंने कोई भी वॉइस चेंज या वॉइस ट्रेनिंग नहीं लिया है। और गाइस जो HRT से चेंज नहीं होता है वो है आपका एडम एप्पल। मेरी भी है, इसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत यू नो नर्वस फील होती है। शायद मैं बाद में इसको यू नो शेव करवा दूँ या कुछ करवाऊंगी मैं बाद में इन फ्यूचर। ये बात जो चेंज आपको नहीं मिलेगा वो है आपकी शोल्डर की बोन। बॉयज़ की शोल्डर ज़्यादा ब्रॉड होती है तो वो आपको चेंज एज सच देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद गाइस जो चेंज आपको देखने को मिलेगा वो है आपके आर्म्स में। यू नो मेन की जो आर्म होती है वो लगभग यू नो देयर इज़ बाइसेप्स और वगैरह, उनकी वजह से उनमें कर्व होती है आर्म्स में। और फीमेल की आर्म स्ट्रेट होती है तो आपको अपनी आर्म में आर्म स्ट्रेट लगने लगी। वहाँ की फैट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से होगी एंड इट विल लुक मोर स्ट्रेट एंड फेमिनिन। आपकी ब्रेस्ट में फैट की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से होती है कि आपकी ब्रेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस पहले जब आपकी ब्रेस्ट डेवलप होना स्टार्ट होगी आपको एक यू नो पेन सा महसूस होगा, यू नो टच से भी पेन होगा। धीरे धीरे आपकी ब्रेस्ट डेवलप होना स्टार्ट होगा। तो ब्रेस्ट डेवलप गाइस मुझे लगता है प्रोमिनेंट एक शेप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उससे पहले आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या इम्प्लांटेशन करवा सकते हो। तो गाइस मैंने भी ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन करवाया है। पर अगर आप चाहते हो कि हार्मोन से ही आपकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट पूरी तरह हो तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि इट टेक्स टाइम। तो अगर आप इम्प्लांटेशन नहीं करवाना चाहते तो यू हैव टू बी रेगुलर इन हार्मोन और आपको 4-5 साल तक तो वेट करना ही पड़ेगा फॉर द फुलर ग्रोथ। मैं अगर आपकी यू नो फेशियल हेयर की बात करूँ तो गाइस फेशियल हेयर हार्मोन से रिड्यूस नहीं होता है। उसके लिए आपको इलेक्ट्रोलाइसिस, लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह लेनी पड़ती है क्योंकि HRT से आपको फेशियल हेयर में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। और मैं बॉडी हेयर की बात करूँ, बॉडी हेयर बहुत कम होने लग जाती है पर फेशियल हेयर में आपको ऐसा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। आपकी स्किन कलर में भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। आपकी स्किन कलर यू नो 1-2 शेड लाइट होने लग जाएगी और स्किन विल बिकम मोर क्लियर एंड यू नो इट बिकम मोर फेमिनिन। और एक चेंज गाइस आपको देखने को मिलेगा वो है आपके आईज में। योर आईज विल बिकम मोर शाइनी, फेमिनिन। वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती पर आप जब HRT के थ्रू जाओगे आपको देखने को मिलेगा। योर आईज विल बिकम मोर यू नो इज मोर फेमिनिन, शाइन। एक अलग सा शाइन देखने को मिलेगा आपके आईज में। तो आपके आईज में भी एक चेंज आती है। तो गाइस आपको बहुत ही खतरनाक चेंज देखने को मिलेगा वो है आपकी इमोशनल चेंज। आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होने लग जाएगी। कब आप रो रहे हो, कब आपको खुशी मिल रही है, कब आपको गुस्सा आ रहा है, कब आप इरिटेट फील कर रहे हो, वो आपको पता नहीं चलेगा। मूड स्विंग बहुत ही ज़्यादा होने लग जाती है। यू नो कभी कभी ऐसा भी होता है मैं बैठे बैठे रो रही हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास होता है मैं रो रही हूँ और मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। और आप बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा भी आ जाएगा किसी की छोटी छोटी बात ना, आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी आपको गुस्सा आएगा। आप बोल दोगे, बाद में आपको रियलाइज़ हो गई मैंने क्या बोल दिया। तो ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और मुझे भी ऐसा होता है, मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या मुझे किसी ने कुछ थोड़ा सा भी बोल दिया, मुझे बहुत ज़्यादा पिंच करती है। तो मान लीजिए मैंने फ़ोन पे उसको कुछ बोला, किसी को कुछ बोला, मैं बार बार वो टेक्स्ट भी करने लग जाती हूँ। यू नो बहुत ज़्यादा आई गेट इमोशनल। गाइस ये मूड स्विंग आपको बहुत ही ज़्यादा होने लग जाएगी एंड इस मूड स्विंग की वजह से मैंने अपनी लाइफ में कुछ रिश्ते खो दिए। बट यू हैव टू कंट्रोल इन योर इमोशंस। मुझे पता है कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है पर यू नो आपको अपने दिमाग को ये एहसास देना है दैट बेटर डेज विल कम। तो और मूड स्विंग्स आपको तब होने बहुत ज़्यादा लग जाती है जब आप हार्मोन लेते लेते बंद कर देते हो। बिफोर सर्जरी यू नो कुछ टाइम के लिए आपको हार्मोन बंद करनी होती है, लगभग 1-1.5 महीने के लिए। तब मूड स्विंग बहुत ही ज़्यादा होने लग जाती है। तो ये आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और जो गाइस आपको चेंज देखने को मिलेगा दैट यू विल बिकम मोर कर्वी। फीमेल आर मोर कर्वी, मैन आर बिकम यू नो लाइक स्ट्रेट टाइप। फीमेल आर मोर कर्वी, men are also not straight, they are also curved, but फीमेल आर मोर कर्वी, तो वो कर्वीनेस आपको देखने को मिलेगा। एंड जो चेंज आपको होता है वो है हिप्स में, योर हिप्स विल बिकम मोर ब्रॉड। पर पहले तो मुझे एज सच टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा चेंज देखने को नहीं मिला था, मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं नर्वस हो जाती थी बिफोर SRS, पर आफ्टर SRS मैंने बहुत ज़्यादा चेंज महसूस किया है। योर हिप्स में बहुत ज़्यादा फैट डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाती है, आपकी थाइस में बहुत ज़्यादा फैट डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाती है, बट इट टेक्स टाइम, आपको धीरे धीरे महसूस होगा। और HRT के अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो गाइस HRT में कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड क्लॉट होने लग जाती है, आपके अंदर वेन्स जो है ना उसमें ब्लड क्लॉट होने की चांसेस होती है, पर ये बहुत मिनिमल केस है। इसीलिए ना आपको हमेशा एक डॉक्टर की सलाह से ही अपनी हार्मोन स्टार्ट करनी है। आपको आफ्टर साइकियाट्रिस्ट के बाद, साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट के बाद एक अच्छा एंड्रोक्रीनोलॉजिस्ट को आपको विजिट करनी है, वहीं से आपको अपनी HRT स्टार्ट करनी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और जो भी साइड इफ़ेक्ट होती है वो मिनिमल होती है। तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी HRT स्टार्ट करोगे तो एज सच आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। और जो गाइस आपको चेंज देखने को मिलेगा वो है इन योर सेक्स ड्राइव। आपकी सेक्स ड्राइव वाइल HRT बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगी, मतलब अगर आपकी कोई पार्टनर है तो आप उससे एक्सपेक्ट करोगे यू वॉन्ट टू बी लव्ड मोर, यू वॉन्ट मोर केयर, मोर सपोर्ट, मोर अटेंशन फ्रॉम हिम, तो आपकी सेक्शुअल डिज़ायर बहुत कम हो जाएगी। पर आफ्टर SRS मीन्स आफ्टर सेक्स चेंज सर्जरी वो फिर से रिस्टोर हो जाएगा। तो गाइस वाइल HRT आपकी सेक्स ड्राइव कम हो जाएगी। गाइस आपको सेक्स चेंज सर्जरी से पहले 1 साल तक आपको हार्मोन लेनी पड़ती है, फिर जाके आपकी सर्जरी होती है। तो कम से कम मिनिमल आपको 1 साल तक हार्मोन लेनी पड़ती है। तो वाइल ये 1 साल के गैप में आप चाहो तो अपनी दूसरी कोई सर्जरी करवा सकते हो, या अगर आपकी फेस में आपको कोई चेंज चाहिए तो आप फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी, या आपको वॉइस में प्रॉब्लम है तो आप वॉइस फेमिनाइजेशन और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ये सब सर्जरी करवा सकते हो। एंड आफ्टर 1 ईयर कंप्लीटिंग आप अपनी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको HRT के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मेरा इंस्टाग्राम ID है रियल रूपकथा, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मैं वहाँ एक पोल दे दूँगी कि आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चन है HRT के रिलेटेड, तो मैं उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो बनाऊँगी। तो गाइज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है। अगर लगी है तो गाइज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, एंड इस वीडियो को भी एक लाइक कर दो, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर लो। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू सो मच।